नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी राधो, स्वागत करता हूँ सभी भावना कार्ड में। फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि गद्दी बंधन कैसे तोड़े, किसका बंधन कौन सा देवता तोड़ता है और कौन सा देवता बंधन लगाता है। सर्वप्रथम निवेदन रहता है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित कोई भी इससे सामग्री लेने किसी भी चैनल के ऊपर जाकर आप माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो। तीन मेरे चैनल है गुरु अपना शिव गुरक्ष 9 4 सिद्ध, जहाँ भी जितने वीडियो बनाए जाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, तो किसी जानकार के अंडर रह के करना। मेरे वीडियो देखते हो अगर आपने साधना करनी है तो उसका भाव प्रसाद पहले आएगा, तो ही मैं आदेश करता हूँ ऐसे मत करना। और दूसरी बात है, इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु नहीं है, कोई मेरा गुरु भाई नहीं है, कोई मेरा चेला नहीं है, किसी के झांसे में आपने फंसना ही नहीं है। और किसी के घर में दुख तकलीफ है, दवाई खाने से भी प्रॉब्लम जाती नहीं है, जिसके ऊपर दवा पड़ते हैं तो भूत प्रेत की है, तो उसका 100% मेरी तरफ से इलाज कराया जाता है, तो उसका जो भोग प्रसाद वो खर्चा आपका ही रहता है। किसी के गुरु ने उसके ऊपर चौकी बांध दिया, चौकी बंधन लगा दिया, तो बंधन मुख खुलवा सकता है, उसका भी भोग प्रसाद आपका ही रहता है। और गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा को दिया जाता है। बाकी की डिटेल जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, अच्छे से पहले उसको पढ़ लेना, सोच लेना, समझ लेना। मैं किसी चैनल को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरे ही 4 चैनल है, सनी ना गुरु ना शिव गुरक्ष ना तहसील। सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम में सनी ना रहता हूँ, लाइव चैट में जुड़ के आप मेरे साथ साधना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आप बताऊँ टॉपिक के ऊपर, गद्दी जो बंधन है वो कैसे तोड़ते हैं, किसका बंधन कौन सा देवता तोड़ता है और कैसे कौन सा देवता बंधन लगाता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर गद्दी बंधन लगा हुआ, मैं आपको बता दूं पहले एक जनरली आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, जब हमको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको पहले किसी से ठीक करवानी पड़ेगी। दोबारा बंधन आए, उसके कुछ उपाय होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपके ऊपर बंधन लग रहा है, तो पहले आपको बंधन खुलवाना पड़ेगा, वो बंधन आपको तोड़वाना पड़ेगा। बंधन तोड़वाने की कई प्रकार की कृपा होते हैं, कि वो बोलते तोड़ के भी हैं, उसके मंत्र जाप से भी होता है। लेकिन अगर आप खुद बंधन तोड़ना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ खुद आपका बंधन नहीं टूटेगा। उसका कारण क्या होता है कि आपके ऊपर तो पहले ही बंधन लग रहा है, अगर आप किसी देवता को बुलाते भी हो देवता को, क्योंकि बंधन तोड़ने के लिए आपके ऑरे के अंदर शक्ति आती है, वो आपके ऑरे के अंदर घुसेगी, तभी ही आपका बंधन और आपका ऑरा क्लीन कर पाएगी। जब उसको आपके ऑरे के अंदर आने की ही इजाज़त नहीं है, तो वो आपका कार्य नहीं कर सकती है, तब तक आपका बंधन नहीं टूटता है। तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले यही है कि आप किसी जानकार जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, उसको बोल सकते हो कि मेरा बंधन। और बंधन आपको बता दूँ, 99% जितने भी बंधन आज की दुनिया में लगे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो बंधन लोग लगवाते हैं, वो बाबा सबल सिंह और केसर मुल के थ्रू ही लगवाते हैं। ये दोनों ही जो देवता हैं जोड़े में चलते हैं, स्पीदो धाम मूर्थल धाम से चलते हैं, और ये बंधन लगाने में और बंधन तोड़ने में दोनों ही समक्ष हैं। उसके अलावा अगर किसी का और तगड़ा बंधन आता है, तो वो बाबा काल भैरव का आता है, जो तोड़ना थोड़ा मुश्किल और असंभव हो जाता है, क्योंकि उनका बंधन बहुत तगड़ा है और वो बंधन खोलने में भी सर्वप्रथम है। बाबा काल भैरव दुनिया में कोई भी बंधन लगो, किसी प्रकार का बंधन खोलने की क्षमता रखते हैं। उसके अलावा आप महामाई का भी उपयोग कर सकते हैं, महामाई का बंधन, क्योंकि महामाई तो चौंकी ही उठा लेती है, आपके देवता आपके पितर समेत सब कुछ ही उठा लेती है, तो उनका बंधन। ना संपदा में आप बंधन लगवाते हो, तो गुरु गोरक्षनाथ महाराज क्या कि किसी का नाम चलता नहीं, जब चलता नहीं 33 कोटि देवी देवता नहीं चलते, उनके नाम की लाश से ही आप किसी की भी गद्दी बांध सकते हो। गुरु गोरक्षनाथ महाराज चाहें तो पलवर में ही चिमटे का उपयोग करके आप किसी की भी गद्दी उखाड़ सकते हो एवं खोल सकते हो। अब बात आती है गद्दी खोलने के लिए भक्त के पास क्या क्षमता होनी चाहिए, तो भक्ति के ऊपर चौंकी होनी चाहिए, सवारी, अगर सवारी चौंकी नहीं होती तो देवता की फुल कृपा होनी चाहिए उसके ऊपर, तभी ही वो किसी का बंधन खोल पाएगा। बंधन खोलने के लिए क्या क्या सामग्री और कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, बंधन खोलने के लिए बहुत सी प्रकार की विद्याएं हैं, जैसे कि मंत्र का उपयोग करके आप मंत्र से भी बंधन खोल सकते हो, आप टोटके का यानी तन का उपयोग करके आप टोटके से भी बंधन खोल सकते हो, उसके अलावा आप मंत्र शक्ति एवं हवन के द्वारा भी बंधन खोल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले पे बंधन लग कौन सा रहा है। अगर बंधन गुरु का लग रहा है, तो गुरु का बंधन के लिए आपको सर्वप्रथम पहले गुरु का त्याग करना पड़ता है, फिर ही आप उस त्याग के बाद ही उस चीज़ को पा सकते हो, फिर ही आप उसके बंधन को तोड़ सकते हो। दूसरी बात है, अगर बंधन गुरु का नहीं है, किसी बाहर वाले ने बंधन लगाया है, तो उसके बंधन के लिए आप नॉर्मली जप एवं चौकी या सवारी भेज के उसके द्वारा जो भी बंधन है उसका बंधन काट सकते हो। थर्ड ऑप्शन में अगर बंधन आपके द्वारा कोई तगड़ा बंधन लगा, एक चीज़ नहीं दो तीन चीज़ों का लग रही, तो आपका बंधन तोड़ने के लिए हवन कराया जाता है, हवन का अनुष्ठान होता है, उस हवन के द्वारा ही आपका बंधन खोला जाता है। बंधन खोलने के लिए किन किन देवताओं का सबसे ज़्यादा उपयोग करा जाता है, उनमें से सबसे पहले श्री रामचंद्र जी भक्त हनुमान बाबा जी हैं, माता काली जी के पुत्र बाबा काल भैरव जी हैं, सबल सिंह केसरमोल बोली का साथ लिए तो गोगा जार पीर महाराज का साथ लिया जाता है। ये सामने वाले की जब निगाह खोले तो निगाह मार के पहले देखता है कि बंधन किस चीज़ का लग रहा है, अगर तो वो
तांत्रिक शक्ति का बंधन लगा तो वहाँ पे काली माता और बाबा भैरव का ही प्रयोग करा जाता, अगर वो वैदिक शक्ति से बंधन लगा देवता बिठाया तो वहाँ पे गोगाजार फिर हनुमान योद्धे का ही प्रयोग करा जाता है। बंधन कई प्रकार से होते हैं, बंधन आपकी इनकम के ऊपर भी लग सकता है, आपकी विद्या के ऊपर भी लग सकता है, आप आगे न बढ़ पाओ उसके ऊपर भी लग सकता है, आपकी नज़र के ऊपर भी लग सकता है। हर एक प्रकार का बंधन है जो वो मात्र उपाय से ही कट जाते हैं। जब बंधन आपके कट जाते हैं फिर उसके बाद आपने बंधन लगाने के लिए आवा खुद पे ये कि बंधन द्वारा लगे ना, तब आप हनुमान बाबा की इबादत कर सकते हो, हनुमान की सेवा कर सकते हो, अब काल भैरव की सेवा कर सकते हो। कुछ भोग प्रसाद होते हैं जो मैं इंटरनेट पे अभी नहीं बता सकता हूँ, वो जब आप गुरु स्निध में चलते हो तभी आपको उनका बताऊँगा। वो चीज़ें आप करते हो तो आपके ऊपर दुनिया का कोई भी बंधा बंधन नहीं लगा सकता। होपफुली मेरे दर्द की जंगल स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। चार ही मेरे चैनल है, गुरु गोखना, शिव गोक्षण और चाहिए सन्नीनाथ लाइव स्ट्रीमिंग सन्नीनाथ फिर लाइव चैट में भी जुड़ के मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। किसी प्रकार की सेहत सामग्री लेने के लिए किसी भी चैनल के ऊपर माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। किसी प्रकार का घर में दुख तकलीफ है, बंधन है, या गुरु आपका ज्ञान नहीं दे रहा तो आप कोई कार्य करवाना चाहते हो उसका बहुत प्रसाद खर्चा आपका रहता है। सो इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु माने कोई मेरा गुरु नहीं तो किसी के जान से मैं पसंद नहीं। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो। स्वादेश अलग नहीं।